इधर राजधानी भोपाल में कुत्तों का आतंक जारी है। लगातार छोटे बच्चों को कुत्ते शिकार बना रहे हैं। बच्चों के परिजन नाराज स्वरूप शिकायत करने थाने पहुंचे। बता दें, कुत्ते मालिक के खिलाफ परिजन ने शिकायत की है पुलिस थाने में। परिजन की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज हुआ है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का मामला है और ये कोई पहली दफा नहीं है। इसके पहले भी राजधानी भोपाल से इस तरह की खबरें आई है, जहां खासतौर पर बच्चों को टारगेट करते हैं, कुत्ते शिकार बनाते हैं, उन पर हमला करते हैं। दुकान जा रहा था बच्चा, उसका नाम पता नहीं है। बताया उसने मेरे कान पकड़ लिए और मेरे झूठ नहीं बोल रहा था। तो आदमी आ गया, आदमी बोलने लगा क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बोला बच्चे को कुत्ते ने काट लिया भैया, तो बोले बच्चा मेरे घर में क्यों आया। अब रुक करेंगे हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी का, फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई की है अब तक? जी, पुलिस का इस पर साफ तौर पर कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिसका यह कुत्ता था उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कुत्ता का मालिक ने भी उसके साथ मारपीट की जब वो अपने बच्चे को लेकर गई कि इसका इलाज कराया जाए, तो उस समय उसके साथ मारपीट की। अन्ना नगर में एक महीने ही पहले रहने आई थी पीड़िता, उसका बच्चा कहीं दुकान पर खरीदारी करने के लिए जा रहा था सामान खरीदने के लिए। उसी दौरान उसके कुत्ते ने, जो है महावीर नाम का शख्स है, उसके कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया और फिर यह पूरी घटना सामने आई। पीड़िता रोते हुए थाने पहुंची और आला अधिकारियों ने अभी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो अभी लगातार इसमें लिखा पड़ी और कार्रवाई जारी है। फिर मेडिकल कराया जाएगा और जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का अधिकारियों ने पूरे मामले में आश्वासन दिया है। जी दीपक, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए दीपक।